अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर की ये जो हमारी बुक है लेवल 3, इसका आज हम यूनिट नंबर 1 करेंगे। कंप्यूटर्स इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस है, किस किस फील्ड में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट टू पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस एंड ग्रुप्स। वी प्ले कंप्यूटर गेम्स दैट आर नो लेस एंजॉयबल देन वीडियो गेम्स। एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर यूज़ होता है हमारा, मतलब हम इस पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम इस पे मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, हम इस पे नाते सुनते हैं। तो ये हर एज के लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। बच्चे इस पे कार्टून्स भी देखते हैं, बड़े लोग इस पे मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज़ एजुकेशन। वी कैन ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑन कंप्यूटर्स। वी कैन ऑल्सो स्टोर लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर कंप्यूटर एज अ ट्यूटर और अ टीचर। एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर यूज़ होता है, हम इस पर डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, हम इस पर जो है बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं। अभी जैसे आप लोग यूट्यूब के थ्रू मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी आपको एजुकेशन फील्ड में यूज़ हो रहा है कंप्यूटर आपका। देन नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्रीज। वी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग इन्वेंट्रीज ऑफ मेजर आइटम्स इन हाउसेज एंड शॉप्स। वी यूज़ देम टू रिकॉर्ड एड्रेसेज एंड फोन नंबर्स। वी प्रिपेयर मेन्यूज एंड लिस्ट ऑफ रेसिपीज विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हाँ जी, तो ये कंप्यूटर इन्वेंट्रीज मेकिंग में भी यूज़ होता है, मतलब आप लोग जो है वो एड्रेसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर्स इसमें लिखकर सेव कर सकते हैं, आप मेन्यूज़ बना सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो अपने मेन्यूज़ कंप्यूटर के ऊपर ही टाइप करके बनाते हैं रेसिपीज़, और फिर इन चीज़ों को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ बसेस, रेलवे, ट्रेन्स एंड एयरलाइंस। इस फील्ड में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। बसेस, रेलवेज एंड एयरलाइंस टिकट्स आर बुक्ड यूजिंग द कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। हाँ जी, तो इस फील्ड में भी कंप्यूटर हमारा यूज़ होता है। हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू, फिर हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट कब की है, कब ये बस यहाँ से निकलेगी और कब वहाँ पहुँचेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर के थ्रू मिलती है। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल्स वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स टू टेस्ट द बॉडी एंड टू फाइंड आउट द डिजीजेस। कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। हाँ जी, तो हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। जो हमारी आजकल की डिजिटल मशीनरी है उसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है। जो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, जो हमारी जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, आई साइट जो आपकी चेक होती है वो भी आपकी कंप्यूटराइज अब चेक होती है। तो हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। देन आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ बैंक्स। वी यूज़ कंप्यूटर्स इन द बैंक्स टू कीप अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, डिटेल्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड एंड ड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो बैंक्स में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। आप लोगों ने अक्सर बैंक में देखा होगा कि हर बंदे के आगे कंप्यूटर होता है और उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स उसमें सेव की हुई होती हैं, जो कस्टमर की अकाउंट डिटेल्स होती हैं कि कौन कितने पैसे सबमिट करवा रहा है और कौन कितने पैसे ड्रॉ कर रहा है। ये सारा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। देन अवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ लाइब्रेरीज। वी यूज़ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ इशूज एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। कंप्यूटर इंडेक्सिंग हेल्प अस इन सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन इट। हाँ जी, तो लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटर हमारा यूज़ होता है। इस पे बुक्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी बुक किसने कब इशू करवाई है और कब वापस की है, और इसी तरह से उनके पास पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन सी बुक उनके पास है। इवन कॉम्पैक्ट डिस्क में भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, मतलब सीडी फॉर्म में भी बुक्स लोग लेते हैं जो सीडी में होती है, और वो घर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और फिर सीडी उन्हें वापस कर देते हैं। तो इस तरह का भी रिकॉर्ड रखा जाता है लाइब्रेरीज में। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हैं। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलॉन्ग विथ अदर रोल्स कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेलीफोन एक्सचेंज। कंप्यूटर ऑल्सो वर्क एज
answering machines. When we dial a telephone to talk to someone, we listen a message. This number is temporarily out of order. Line is busy, try later. The number has been changed, etc. इस तरह की बहुत सारी recordings आपको सुनने को मिलती हैं जो computerized होती हैं. These messages are stored in the computer of a telephone exchange. Whenever we dial a telephone number, either the line is linked or a suitable message is passed on to us. And it is replayed again and again. We use internet and send our email with the help of a computer. Computers are used to interlink big companies working in different parts of a computer or continents. With the help of computer, we can communicate with any person living far apart from us. Computers are widely used in data communication services. Communication ki field mein bhi computer ka bahut important role hai. टेलीफोन एक्सचेंज में यूज़ होता है, जो हमारी सिम्स हैं, जैसे वहाँ पे भी जो नंबर कुछ रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं जब आप किसी को कॉल करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज होते हैं. हम ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं. जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना डाटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एक्सचेंज करती हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू किया जाता है. तो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. Computers are very important for business and industry. Information about market and various new materials, goods and stocks, etc. is kept in the computer. The computer keeps the information about workers and their salaries too. In industries, computers are used to control the machines and heavy tools. Business or industries mein bhi computer ka bahut important role hai. जो अपना सारा डाटा जो उसमें रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारा मटेरियल गुड्स जो आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, कितनी हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने और मंगवानी हैं, सैलरीज वर्कर्स की, किस वर्कर की कितनी सैलरी है, तो ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है. देन नेक्स्ट इज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग. बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. When the writers provide the publishing material, first it is composed on a computer, then it is edited and set in attractive styles and sizes to be printed. Finally, it is printed on a paper that is provided to the press for final printing. पब्लिशिंग और प्रिंटिंग फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. जो बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं वो भी कंप्यूटराइज होते हैं. वहाँ पे टाइप किया जाता है कंप्यूटर में सारा डाटा और फिर उसे स्टोर किया जाता है और फिर उसे प्रिंट किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटर की बुक है, अब ये हर साल तो कोई बैठ के टाइप नहीं करता, ये एक दफ़ा टाइप हुई है फिर वो सेव हुई है और फिर उसके प्रिंट आउट्स लिए जाते हैं और फिर माइनर चेंजिंग जो उसमें की जाती है, अगर ईयर वाइज कोई चेंज आया है तो वो फिर उसमें किया जाता है, अदरवाइज ये सेव होती हैं और फिर वही चीज़ें प्रिंट की जाती हैं. नेक्स्ट इज पुलिस डिपार्टमेंट. पुलिस यूजेस कंप्यूटर टू कीप इंफॉर्मेशन लाइक फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द क्रिमिनल्स. इट हेल्प्स पुलिस इन चेकिंग डाउटफुल पर्सन ऑन द स्पॉट. पुलिस डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है. इन्होंने जो उनके मुजरिम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और पिक्चर सेव की हुई होती हैं. बंदा अपनी लुक तो चेंज कर लेता है लेकिन फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते. इसके थ्रू वो रीचेक कर लेते हैं अगर उन्हें किसी बंदे पे शक हो तो. डिफेंस. कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन डिफेंस सिस्टम्स. Modern weapons and missiles are totally controlled by computer to access their targets to destroy. Defense में भी computer का बहुत important role है और ये बहुत फ़ायदेमंद है. जो modern weapons और missiles हैं वो computer के through control किए जाते हैं और उन तक access की जाती है. उनको किस तरह से use करना है ये सारी चीज़ें उन्होंने computerize रखी हुई होती हैं. तो ये हमारी बहुत सारी fields थी जिसमें हमने computer का use देखा कि हमारी society में किस तरह से कंप्यूटर जो है वो बहुत यूज़फुल है.